भाई और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियां सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकदल पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन सिंह जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष श्री चंद्र झा जी ने काफी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे, मैं विधायक था और वो भी थे, अनोज बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे, हम अपने निवास स्थान से असेंबली के तरफ जा रहे थे। ये सब चीज सुन करके लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले और वहां गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत कुराम सुना, देखा, हम बैठ गए। जिस रूप में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहां उपस्थित थे, मैं उस रूम में पहुंच गया। देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था, हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था एक गाड़ी, तो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया, और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रहा है और मुंह से तो निकल रहा था फंकार, और बिल्कुल दूध जैसा नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने कर्पूरी जी, क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है।
कोशिश देर के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं अपने गोद में बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं थे अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो और दूसरे पुत्र को राम बिरेंद्र को कहा कि भाई परिवार तालू को पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ हुए। पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हैं हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्तव्य जी अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया। बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी। बिहार गाय में जो जॉब कम से कम 7 लाख मोबिलाइज किया तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी ने, उसको और बढ़ाना है, साढ़े बढ़ाना है। लोग लगे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये सब तो होता रहेगा, परवाह नहीं करना है और हम लोग को पूरा मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ही लोग, जितना हम ही लोग को है। कितना ही माथा पता भी है नायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के प्रणेता। कोई भी हमने देखा साथ से बैठे हुए जा रहे उनके घर में, कोई घर में कोई तिलक तिलक है उनके परिवार में तो लोगों को बताते थे क्या क्या खरीद के लाना है तिलकोरों के लिए, नाश्ता के लिए क्या क्या देना है। तो 2 गो केला,
ये वो सिंघारा ये वो लड्डू मन सब जोड़ जाके डेढ़ दो रुपया के पांच प्लेट जोड़ के बता देते थे कि कितना प्लेट है उतना का इंतजाम करो। ये स्थिति थी बताओ। वो दिन देखा था उस दिन कैपुर जी ने देखा, आप लोग भी देखते हो, गरीब घर में जो पैदा लिया क्या स्थिति थी। अब तो क्या तिलक का स्केल था मतलब लोगों को खिलाने का, अब तो तिलक में जो सामान खरीदते हो गए लोग पाव भाजी पाव भाजी ले लेना। और बाबा उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, पूरे राज्य में गांव गांव में और दिल्ली तक पहुंचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में कई एक बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे, बड़े लोग पिटाए गए थे कूड़ा घाट में, यूपी के कूड़ा घाट में। मंडल कमीशन को लागू कराया हम लोगों ने, मंडल कमीशन जो लागू हुआ मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया उसको लागू कराने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए। कितना बड़ा हमला हुआ मंडल कमीशन लागू करने के संपर्क में, बीपी सिंह को भी माँ बहन को गाली सुनना पड़ा। विचित्र कहानी है मंडल कमीशन लागू जो हुआ, किस परिस्थिति में लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, बीपी सिंह जी हमें मिलने गया यहां से, पीपी सिंह मुझे नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री के रूप में, तीन तीन ऑब्जर्वर आए थे वहां से हमारे खिलाफ में, लेकिन मैं पीपी सिंह जी का साथ देने पहुंचा और हमको देखे और पूछे कैसे आए हैं। हम आए हैं, देवी लाल जी ने तो हम लोग को साथ हमारा दिया पूरा, ये जो गाली उली रोज जो चल रहा पड़ रहा है कैसे सरकार चलेगी। तो निकाली फिर जाए देखो, उन्होंने कहा कि कहा था आपका बिहार भवन अच्छा है, आप है यहीं पर हमारा हम है,
राम विलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलाइए और ये जो रिपोर्ट है वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। सड़क जी को भी हमने कहा, लोग बोले जी तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाकर खिलाफ है, देश रत्न भारत रत्न बनाने का ये सब काम हुआ। चुनाव में जीता रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट इनकी ज्यादा बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया, तो कोई ये हमको हमें तो ऐसा होना ही था, इसको तो लेके ही रहते हैं। कहना है कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं, हम लोगों को ठेठी मांग किया काशी राम जी अयोध्या जी को भारत रत्न का ऐलान करो। ये हमारा हक है देश का, लोगों को डिजर्व करते हैं, कोई ठीक नहीं है। काशी राम ने दलितों को जगाया, भला मायावती डुबाया, नहीं कर दिया काशी राम का भी इतना दिन का भी है इस उम्र तक सुब्रा नहीं कर सकते हैं। और मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होना का नतीजा हुआ, पिछड़ों की ताकत और पिछड़े के ताकत को लोगों ने ललकारा, पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए सब छीनना चाहता है। इससे काफी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ, अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा वंचित समाज गरीब लोग जो तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को पीएससी वगैरह नीतीश कुमार जी ने तो रिजर्वेशन जाति जनगणना के बाद रिपोर्ट के बाद दलितों का शिड्यूल कास्ट का आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में ममोर है। जब मैं कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से ज्यादा नहीं आ रहा था, परिवार में पैदा किए गोकुल ठाकुर जी के परिवार में, मैं उनके घर भेज गया था देखने के लिए पहले कैसे रहते हैं नेताजी घर कर्पूरी कहाँ रहते हैं। तो उनका जो झोपड़ी था, कुटिया जो था झोपड़ी,
ऐसे गली से जाना पड़ता था, ठाकुर साहब का मकान किनारे से गली पर घूम के जाना पड़ता था। वो गए रामनाथ की माँ आंगना में गए उनके देखने, सब मकई के रोटी और सरसों का साग बहुत प्यार से खाते थे कर्पूरी जी, आम आदि का जो खाना हुआ खाता था। मेरे यहाँ भी जितने ही कॉलेज में सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे सत्तू घोल के हमको पिलाइए। सत्तू घोराता था, फिर गाय भी रखे हुए थे हम वहाँ, गाय भी का दूध। और ये कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे, उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे कि वो कहाँ गया भागा। कर्पूरी जी को कैसे वो प्रभावित कर गया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एक बाल्टी गर्म पानी आता था, गर्म पानी और मैं पूरा नीमक दे के घोल के और सवेरे सवेरे कर्पूरी जी को पिला के भर पेट पेट भर देता था और बोलता था कि ये चारों उंगली से लेकर मुँह में जी भीतर हलाली करिए, इसको निकालिए बाहर निकालिए। और कर्पूरी जी को आदत लग गई, यात्री को एकदम बाहर करके पानी को गंदा पानी को निकाल देना बाहर, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीछे पीछे हबीब नकल करने लगे, बहुत खतरनाक एक्सरसाइज था वो सिखाया। कहाँ से नाम मैं उसको भूल उसका बोल रहा हूँ, उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा वहां से उनसे फिल्म छुड़ाया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।